आज इस वीडियो में ये ड्राइव एलईडी टीवी में कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू एसबी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक 39 इंचेस का फिलिप्स का पावर सप्लाई, इस पर बैकलाइट ड्राइव का सेक्शन प्रॉब्लम है, वो ड्राइव रिपेयर नहीं होता है, उसके लिए मैं ये बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये बोर्ड में हमको क्या क्या वोल्टेजेस चाहिए वो सभी इस पर अवेलेबल है। इस पर इनपुट 12 वोल्ट से लेके 25 वोल्ट तक दे सकते हैं और आउटपुट 35 से लेके 85 तक हमको आउटपुट वोल्टेज भी मिल जाएगा। ये ड्राइव डालने के लिए ये कनेक्टर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये कनेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कनेक्टर का पिन डिटेल्स भी इधर प्रिंट किया है, आप इधर देख सकते हैं। वो कनेक्टर निकालने के लिए मैं ये हीटर को यूज़ कर रहा हूँ। ये हीटर मैंने नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ वो देखने के लिए आई बटन में एक वीडियो डाला हूँ। मैं ये हीटर को एक्चुअली एलईडी रिप्लेस करने के लिए यूज़ करता हूँ। जो एलईडी टीवी में एलईडी स्ट्रिप आता है उसको रिप्लेस करने में मैं ये इसको यूज़ करता हूँ। ये देखिए आसानी से ये कनेक्टर निकल चुका है। इसके ऊपर का लेड निकाल रहा हूँ। और हमको इस पर चार केबल का ज़रूरत पड़ता है, वो चार केबल इस पर कनेक्शन कर रहा हूँ, VCC, ग्राउंड और एडजस्टमेंट और बैकलाइट ऑन। अभी देखिए हमारे पास अभी चार वायर हैं, वो चार वायर में एक ग्रीन वायर होता है, वो ग्रीन वायर को इधर 12 वोल्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ। और एक वाइट वायर है, ये वाइट वायर ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड में कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये ब्लू वायर बैकलाइट ऑन है, ये बैकलाइट ऑन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, वो बैकलाइट ऑन पिन नहीं, ये बैकलाइट एडजस्टमेंट का पिन है, वो ब्लू वायर को बैकलाइट ऑन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और अभी ये येलो वायर को बैकलाइट एडजस्टमेंट के साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये बैकलाइट एडजस्टमेंट के साथ कनेक्ट हो गया। आप इधर देख सकते हैं हमारे पास टोटल चार स्ट्रिप का LED है, एक एक स्ट्रिप में 11 LED से, ये 3 वोल्ट का LED होता है। और हमको टोटल इधर 44 LEDs हो गया। दो दो स्ट्रिप को सीरीज करके उसको एक साथ जोड़ के पैरेलल कर दिया हूँ। और आप इधर देख सकते हैं ये दो दो स्ट्रिप के लिए एक एक अलग से सीरीज कनेक्शन बना दिया, दोनों लेके आके एक सिंगल पैरेलल कनेक्ट करने के बाद ये बैकलाइट ऑन हो रहा है। और इसका वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, मैं इसका वोल्टेज दिख रहा हूँ। देखिए इसको ऑन करने में हमको अभी 60 से लेके 66 वोल्ट तक ज़रूरत पड़ता है। हम 12 वोल्ट से आसानी से 60 वोल्ट को बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं ऐसे कनेक्शन किया हूँ। नेक्स्ट आप एक चीज़ देख सकते हैं, इधर मैंने एक 1K का रेसिस्टर डाला हूँ क्योंकि वो ओरिजिनल मदरबोर्ड से सिग्नल्स नहीं आ रहा था, वो सिग्नल से ये बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा था, उसके लिए मैंने इधर 1K रेसिस्टर डाल के और उसके साथ ये येलो वाला पिन कनेक्ट कर रहा हूँ। ये येलो वाला पिन को पावर ऑन के साथ कनेक्ट किया हूँ, वो पावर ऑन में 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा था। अभी आप इधर देख सकते हैं मैंने किसी तरीक़े से लोड नहीं दिया हूँ इसमें। इस पर ओनली 12 वोल्ट इनपुट दिया और आउटपुट में किसी तरीक़े से कनेक्शन नहीं किया हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं 12 वोल्ट आउटपुट हमारा आ चुका है। 12 वोल्ट आउटपुट आने का मतलब क्या है, हमारा ड्राइव सही से काम कर रहे बोल के ये हमको एक निशाना होता है। अभी मैंने बैकलाइट आउटपुट में बैकलाइट को कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोनों बैकलाइट कनेक्शन कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्शन पूरा सब कुछ ओके हो चुका है।
अभी मैं ऑन करता हूँ, देखिए बैकलाइट ऑन होके ऑफ हो गया। अभी मैं एक बार स्टैंड पे रिलीज़ करता हूँ, देखिए बैकलाइट ऑन हो गया। और भी एक चीज़ हम इधर चेक करना पड़ता है, ये मॉस्फेट बहुत हीट होता है अगर हमारा लोड ज़्यादा हो गया तो। आप इधर वोल्टेज देख लीजिए, 60 वोल्ट तक आ रहा है। अगर बैकलाइट ओवर लोड हो गया तो ये मॉस्फेट हीट होने का चांसेस है, वो 10 से 15 सेकेंड के बीच में वो हीट होके बर्न हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा पेस्ट लगा के ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर पेस्ट गर्म नहीं हुआ तो हमको पता चलता है ये ओके है बोल के। ये था ये पूरा कनेक्शन, यही है आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस ये चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।